हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा एसएस का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, आज हम चैप्टर 2 करेंगे। बुक्स हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लेसन नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेसन हम आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और तब आपकी बुक आ जाएगी, तब हम लेसन पढ़ेंगे। इसलिए हम लेसन 2 के अपने फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरो करेंगे। ये आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और उसके बाद लर्न करने हैं। रिक्त स्थान भरो। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदानी क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र की मिट्टी डैश मिट्टी है और यह बहुत उपजाऊ है। मिट्टी कैसी मिट्टी है उत्तरी मैदानों में? जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी कई प्रकार की होती है, ये हम आपकी किताब आ जाएगी तब उसमें पढ़ेंगे। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़। नंबर 2, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी ये हमारा हाफ है, हाफ उत्तरी मैदानी क्षेत्र पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में लगभग 10 किलोमीटर तक फैला है। कितने तक फैला है हमने अपने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था, ये 2500 किलोमीटर। 3, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में डैश पर्वत से होता है। जो हमारी सिंधु नदी है वह तिब्बत में कौन से पर्वत से होकर गुजरती है? कैलाश। कौन से पर्वत से? कैलाश। नंबर 4, सतलुज नदी क्षेत्र का मुख्य भाग, सतलुज नदी क्षेत्र का मुख्य भाग डैश में है। सतलुज जो नदी क्षेत्र है उसका मुख्य भाग कहाँ है? हमारे देश भारत में, ठीक है। नंबर 5, गंगा एवं यमुना नदियां, गंगा
एम यमुना नदियां डैश नगर में मिलती हैं। गंगा और यमुना नदियां कौन से नगर में मिलती हैं? इलाहाबाद। कौन से नगर में? इलाहाबाद नगर में। नंबर सिक्स, नदी गंगा नदी से दक्षिण में मिलती है। कौन सी नदी गंगा नदी से दक्षिण में मिलती है? सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। ये हमारे सिक्स ब्लैंक्स हैं, ये आप सभी को फेयर नोटबुक में लिखनी है। अभी हम राइट और रॉन्ग, ठीक और गलत लिखेंगे। राइट या रॉन्ग? नंबर वन, सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है रॉन्ग। नंबर टू, सिंधु नदी की पांच मुख्य सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की पांच मुख्य सहायक नदियां हैं। ये है हमारा ठीक। नंबर थ्री, वाराणसी गोमती नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह है हमारा रोम। अब नंबर फोर देखो, सुंदरबन डेल्टा केवल भारतीय क्षेत्र में है। सुंदरबन डेल्टा केवल भारतीय क्षेत्र में है। ये भी हमारा रॉन्ग है। नंबर फाइव का हमारा, गंगा नदी असम की घाटियों से बहती है। गंगा नदी असम की घाटियों से बहती है। ये है हमारा गलत।
सिंधु नदी क्षेत्र एक भारी वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भी है हमारा रोम। ये हमारे ब्रैंक्स और राइट रोम हो गए हैं। ये आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में लिखने और याद करने हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके।